सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे होंगे। तो आपके ही अपने YouTube चैनल RKNA में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बने रहे फिर से आज एक नए वीडियो में, क्योंकि आज मैं वीडियो में बताऊंगा कि PM किसान सम्मान निधि के तहत जो भी लोगों का पैसा रुका है या किसी भी कारणवश हो, तो आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा पैसा क्यों रुका है, कैसे रुका है। अगर आपका भी आधार कार्ड लिंक नहीं है PM किसान निधि में, आप ऑनलाइन कराने गए या किसी कारणवश नहीं हुआ है, तो आप कैसे अपने मोबाइल से घर बैठे करें, तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो का स्टार्ट करने से पर आप वहाँ से कोई सा भी अच्छा ब्राउज़र खोल लीजिएगा, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरह के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले आएंगे, तो उसको आप यहाँ से सबसे पहले आपका स्टेटस चेक करना है कि हमारा आधार कार्ड लिंक है कि नहीं। जब भी आप ऑनलाइन कराने गए हैं तो आपका आधार कार्ड लिंक था कि नहीं। सबसे यहाँ से बेनिफिक्शियरी स्टेटस का ऑप्शन जो दिखलाई दे रहा है आपको, यहाँ से इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा आगे का, कि आपको किस चीज़ से आपको चेक करना है कि हमारा आधार कार्ड लिंक है या नहीं। आपको आधार नंबर याद है तो आधार नंबर से, नहीं तो अकाउंट नंबर याद है तो अकाउंट नंबर से, नहीं तो मोबाइल नंबर याद है तो मोबाइल नंबर से आप कर सकते हैं। चलिए हम अपना मोबाइल नंबर चेक करते हैं। आपको मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन जो दिखलाई दे रहा है आपको, जूम करके हम दिखला रहे हैं, इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है आपको। इसमें आपको मोबाइल नंबर अपना फिल कर देना है, जो भी आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर है वही फिल करना है, ठीक है। फिर तो हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, उसके बाद गेट डाटा पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा मोबाइल नंबर गलत था। गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। सॉरी फ्रेंड, आप अपना मोबाइल नंबर अच्छी तरह से भर लीजिएगा। जैसे भर लेंगे उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप अभी जितने भी ऑनलाइन कराए होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, उस सब का नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको देखिए यहाँ से आपका नाम पता, जो भी आपका पता होगा, रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ से देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कॉर्नर में जैसे ही देखेंगे यहाँ से आधार स्टेटस का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, तो यहाँ पर आधार नंबर इज वेरीफाइड, जो भी हम यहाँ पे दिए होंगे तो ये हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो गया होगा, तो आधार कार्ड नंबर इज वेरीफाइड लिखा है। अगर नहीं हुआ तो आधार वेरीफाई इज नॉट लिखेगा, जो भी लिखेगा। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए, तो ये हमारा आधार कार्ड वेरीफाई है, तो हम अगर आपका नहीं है तो भी हम बता सकते हैं आपको किस तरह करें, ठीक है। इसमें तो हमारा आधार कार्ड वेरीफाई है। अगर आपको किसी भी कारण अपना अकाउंट नंबर यहाँ से मिला लीजिएगा, मोबाइल नंबर जो भी होगा यहाँ से, इसमें का मोबाइल नंबर आधार नंबर जो भी आपको मिलाना हो, किस कारण से आपका पैसा नहीं आया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा आधार नंबर वेरीफाई, तो आपको चलिए आधा तक हम बता सकते हैं जहाँ तक होगा। चलिए यहाँ से जैसे आप यहाँ से बैक हो जाइएगा, जैसे बैक हो जाएंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, एडिट आधार फिलिव रिकॉर्ड। आपको यहाँ से देखिए, हम जूम करके बता रहे हैं, एडिट आधार फिलिव रिकॉर्ड आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। चलिए फ्रेंड, थोड़ा नेट स्लो है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आगे करना, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको आधार नंबर अगर एडिट करना है तो आधार नंबर, नहीं तो अकाउंट नंबर, यहाँ से डिटेल्स अगर आपको निकालना है तो आधार नंबर दे सकते हैं, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, फॉर्मर नंबर। आपको यहाँ से आधार नंबर यहाँ से देना है तो आधार नंबर, नहीं तो मोबाइल नंबर। तो आपको जो भी डिटेल्स निकालना है, चलिए हम अपना यहाँ से मोबाइल नंबर, आपको आधार ही नंबर डालना है, ठीक है। फिर यहाँ से दिखाई दे रहा है आधार नंबर, आपको आधार नंबर चेंज कराना है, यहाँ से कुछ भी नहीं कि नहीं, यहाँ से आधार नंबर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप अपना आधार नंबर डाल के ये वाला जो इमेज कोड का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, ये वाला जो दिखलाई दे रहा है, आपको यही यहाँ पे फिल कर देना है, सर्च कर लेना है। उसके बाद जैसे ही सर्च करिएगा पूरा डिटेल्स निकल कर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से एडिट आधार नंबर पर आपको क्लिक करना है, और आधार नंबर डालकर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपको दो चार दिन बाद अपना चेक करिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो को समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है आपको आधार कार्ड अपना
ऐड करने में, तो हमारे से कमेंट सेक्शन में आप अपना आधार नंबर दे दीजिएगा या जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करिए, हम आपको वहाँ से गारंटी के साथ कहते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने में। अगर आपको करना नहीं आता है तो अपना आधार नंबर दीजिएगा, हम आपको उस पर वीडियो भी बना देंगे और आपका भी काम भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम करते हैं वीडियो का समाप्त। फ्रेंड हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 200 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है फ्रेंड हमें, ताकि हम भी अपना चेहरा दिखला कर वीडियो बना सकते हैं। तो और 200 सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट कर दीजिए, तो चलिए हम करते हैं वीडियो का समाप्त।